क्यों अर्चना? भाई ये बातें जो है सोशल मीडिया पर अंकित फैंस बोल रहे हैं और कुछ ऐसे लोग बोल रहे हैं जो कि बिग बॉस देखते हैं, न्यूट्रल रहते हैं, हर एक चीज के ऊपर अपना रिएक्शन देते हैं। आखिरकार अर्चना ने ऐसा क्या कर दिया है, चलिए आप लोगों को बताते हैं। चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को दबाइए, इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। भाई कुछ लोगों का सोशल मीडिया पर कहना ये है कि ये पॉलिटिशियंस जो होते हैं वो शायद ऐसे ही होते हैं कि अगर दुश्मनी दिल में चल रही हो तो वो अपने फायदे के लिए किसी को मरवा भी देती हैं, और अगर सामने वाला बंदा मर जाए ना तो ये पीठ पीछे जो है नाचते हैं। और यहां पर प्रियंका के साथ लड़ाई हुई और प्रियंका की सपोर्ट निकालने के लिए अर्चना ने जो है बहुत ही बड़ा प्लान किया और अंकित जो है वहां से चले भी गए। उसके बाद जो है अर्चना को शांत रहना चाहिए था, आराम से रहना चाहिए था कि भाई कोई रो रहा है उसकी वैल्यू करनी चाहिए थी। जहां पर शिव ठाकरे बोल रहे कि अर्चना रो रही थी, इस बंदी का दिल नहीं है, वो और ज्यादा रो करती रही, ऐसा सब चीजें करती रही, तो प्रियंका की ये बातें जो है शिव ठाकरे ने बोली थी तो अर्चना के ऊपर भी लागू होती है। अर्चना जो है नाचती रही, इसका कंधा अभी खत्म हो गया है, ये आया था 12 हफ्ते जो है यहां पर रह गया, बोलता तुम्हारे सबके मुंह पे थप्पड़ है, अभी निकल गया ना, और भांगड़े डाल रही है, डांस कर रही है, और इतनी बहुत ही गंदा जो है लोगों को लगा है। और लोगों का कहना यह है कि शेम ऑन यू अर्चना, और वाक्य में ये सच में मैं भी बोलूंगी कि शेम ऑन यू अर्चना, ऐसा भी नहीं होता, इंसानियत दिखानी आनी चाहिए तुम्हें, तो मुझे नहीं लगता कि तुम में कुछ इंसानियत है। इसी के साथ मैं लेती हूं इजाजत, नमस्कार।